संगीता सागर ने एक वर्ष पहले हर्षित मेमोरियल दिव्यांग चैरिटेबल सोसाइटी बनाई थी। संस्था को एक वर्ष पूरा हो चुका है। संस्था के पहले फाउंडेशन डे के मौके पर संगीता सागर ने संस्था बनाने के पीछे का उद्देश्य बताया। संस्था उन गरीब और दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले एक वर्ष से कार्य कर रही है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, या फिर जिनके शरीर में और कोई ऐसी कमी है जिसके चलते सामान्य बच्चों से अलग हो जाते हैं। ये प्रेरणा मेरे को मेरा बेटा देकर गया, जो कि खुद दिव्यांग था। उसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो मैंने उसके साथ साथ कोर्स भी किया और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, मगर उसके साथ मैं आगे बढ़ी। और आज अगर वो मेरे साथ नहीं है तो जो भी मैंने सीखा है, मैंने कोर्स भी किया है, तो जो भी मैंने सीखा है वह मैं और गरीब बच्चों को भी देना चाहती हूँ। मेरा नाम के अग्रवाल है और मैं इस संस्था से एक साल से ही जुड़ा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि धीरे धीरे ये संस्था प्रगति करे और बच्चों को इसको जो जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, साथ से मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं अपने साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्था का उद्देश्य है कि गरीब बच्चों के लिए जो सुविधा हो सकती है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको संस्था उनको दिलवाएगी। और संस्था का मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे अवेल नहीं करो और थोड़ा सा जागृति पैदा करना। हर्षित आज IIT का स्टूडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक माँ की तपस्या छिपी हुई है। संगीता का बेटा हर्षित दिव्यांग है, जिसको लेकर संगीता चिंतित रहती थी। माँ बेटे को हर खुशी देना चाहती थी, इसलिए संगीता ने बेटे को दिव्यांग केंद्र आशा में दाखिल कराया और खुद भी वहाँ रहकर बोलने, सुनने और समझने की ट्रेनिंग ली। बेटे के चेहरे पर खुशी देख माँ ने समाज सेवा का बीड़ा उठा लिया है। संगीता संस्था के माध्यम से उन दिव्यांगों की मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं और शारीरिक रूप से भी। सी न्यूज़ के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट।